जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, पुनः एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो है कथा के समापन समारोह का। कथा तो कभी समाप्त होती नहीं, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत, तो वो उसका तो ना आदि है और ना अंत है। परमात्मा को विभिन्न रूपों में, जिस नामों में, जिस भाषा में आप बुलाना चाहे बुला सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फारसी, जिस भाषा में, वो हर जगह सुलभ है और अनंत है। उसकी कथा कभी समाप्त नहीं होती। हाँ, जो ये श्रीमद् भागवत कथा का समारोह आयोजित किया गया था, उसका आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन हमारे व्यास जी सुदामा चरित्र की व्याख्या करके और श्रीमद् भागवत को जहाँ तक हो सका उन्होंने पूरी तरह आपको सुनाने और समझाने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ इस विषय पे हमारे आए हुए दिव्य संत लोग भी अपने विचार रख रहे हैं, आप उन विचारों से भी, उनके अमृत वाणी से भी अवगत होइए। तो देखते हैं वीडियो। देखिए हमारे जयपुर के महंत आदरणीय अनंत श्री और प्रातः स्मरणीय श्री बलवंत जी महाराज जी कुछ कथा के विषय में कह रहे हैं। इनके मुखारविंद से आप अमृत वाणी तो सुनिए। आपके सामने हरिहर परिवार के संत क्षिप्रा मुनि जी महाराज जी हैं और ये 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा के उपलक्ष में जोधपुर में उपस्थित रहे, ये अपने विचार दे रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं। जब सुदामा जी को अपने आसन पर बिठा था तो रुक्मणी जी को थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि सुदामा जी की स्थिति है ही ऐसी, फटी हुई धोती पहने हुए है,
नंगे पैर चल करके आए हैं तो पैरों में मिट्टी लगी है, कांटे लगे हैं, रक्त की धार निकल रही है, लेकिन भगवान समझ गए कि रुक्मणी जी की अंदर की स्थिति क्या है। एक बार प्रभु ने रुक्मणी जी की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में सारी बात कह दी। भगवान ने आंखों ही आंखों में रुक्मणी को क्या कहा? सुदामा चरित्र तो अथाह है, परंतु यहां हमने उसका थोड़ा सा सार अंश लिया है। और अब आप देखिए स्थान के महामंडलेश्वर प्रातःस्मरणीय पूजनीय हर विश्वदास जी महाराज जी कुछ शब्द इस आयोजन के विषय में, कथा के विषय में आपको समझा रहे हैं। उनकी वाणी आप सुने। व्यास जी महाराज, अब मुझे 7 दिन तक व्यास जी ने आप लोगों को भागवत कथा सुनाई और मुझे इसमें कुछ बताने कहने का कोई शेष रहता नहीं है, परंतु मैं कुछ बताता हूं। भगवत चर्चा सत्संग आदि करने का अर्थ क्या है? यानी भगवान की चर्चा, भगवान की कथाओं को सुनने का व्यास जी ने एक बार एक दिन बताया था। यानी भगवान के प्रति लगाव, भगवान के प्रति प्रेम होना। ये देखो भाई, हम किसी की प्रशंसा सुनते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे हैं, फला जी ऐसे हैं, तो हमारा उसको देखने सुनने की लालसा होती है। तो ये भगवत चर्चा, भगवान की कथा लीला करके, भगवान के गुणों का बखान करके। देखो कल ही प्रसंग में व्यास जी ने बताया, क्या रुक्मणी जी ने भगवान को कभी देखा नहीं, कभी देखा नहीं। उन्होंने बचपन में नारद जी ने उनके हस्त रेखा देखकर बताया कि द्वारकाधीश के गुण ऐसे हैं, द्वारकाधीश ऐसे हैं। देखो भाई, हम आपने किसी ने भगवान को देखा नहीं, देखा तो किसी ने नहीं। कई बच्चे ट्रेन में बैल कहीं चलते हैं तो पूछते हैं, महाराज इतने वक्त हो गए तुमने भगवान को देखा है? उनको हम जवाब देते हैं, जो तेरे अंदर से बोल रहा क्या तूने उसे देखा है? अगर ये आवाज तेरी बंद हो जाए तो श्मशान में तुझे ले जाकर फूंक दिया जाएगा। ये जो तू अंदर से बोल रहा है ना, यही परमात्मा है। परंतु हमारे बाप दादा परदादा यानी कोई भी बुजुर्गों ने आदि अनादि काल से परमात्मा के विषय का ऋषि मुनि संत महात्मा गुणानुवाद करते हैं, उनके विषय में बताते हैं, तो भैया कुछ तो है ना सत्य, और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं हमारे दिखने में ही। पैदा होता है और मरने के बाद कहाँ जाता है? शरीर तो यही पड़ा है। तारा को भगवान राम जी ने यही कहा, जीव लाग तुम काहे हो, जिसे तुमने देखा ही नहीं, जिसे तुमने देखा नहीं सुना है, और इस शरीर को तेल साबुन तुमने पाउडर बहुत लगाए, वो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, फिर तुम उसके लिए क्यों रो रहे हो? तो यानी तो कोई तो है जो इसके अंदर है और इसके अंदर स्थापित करता है, और मरने के बाद, उसके जाने के बाद, हमारे शब्दों में तुम्हारे के ना मर गया, अरे संतों के शब्दों में है शरीर छोड़ गया। यानी जो इसके अंदर परमात्मा था उसने शरीर को त्याग दिया, तो शरीर की नो वैल्यूएशन,
शरीर की कोई वैल्यू नहीं। आपने देखा कि महाराज जी ने एक बहुत सुंदर पॉइंट बोला है, मृत्यु। बहुत पहले इस पर मैंने एक विचार, एक लेख लिखा था बैराग के शुरुआत में, कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं, परंतु वो लेख गायब हो गया भ्रमरशील अवस्था में। देखिए, संत लोग बहुत उचित शब्द का प्रयोग करते हैं कि फला संत ने शरीर छोड़ दिया, फला ने शरीर छोड़ दिया, वो ये नहीं कहते मृत्यु हो गई। मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं। भाई, आप स्वयं कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसको हम मृत्यु मान लेते हैं। आत्मा अजर अमर है तो मृत्यु कहाँ हुई आत्मा की? रही बात शरीर की, तो शरीर पंचभूत तत्व से मिलकर बना है, फिर ये जाके पंचभूत तत्व में मिल जाता है, ये भी नष्ट नहीं होता। तो होता क्या है? केवल प्रारूप चेंज होता है। जब आप गहराई से दर्शन आप पढ़ेंगे, फिलॉसफी आप पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि पारब्रह्म परमात्मा यो अपने योग शक्ति के एक अंश से एक नया प्रारूप तैयार करता है, जिसको हम क्रिएशन कहते हैं, सृष्टि कहते हैं। और उस प्रारूप में हम आप हमारी आपकी उत्पत्ति होती है। तो केवल प्रारूप बदलता है, पंचभूत तत्व का प्रारूप बदल के ये शरीर बन गया, और इसमें चेतन तत्व आत्मा विराजमान हो गई। जब ये चेतन तत्व आत्मा निकल गई तो ये पंचभूत शरीर शरीर का जो प्रारूप है ये चेंज होके फिर अपने पंचभूत तत्व में जाके विलीन हो जाता है। तो मृत्यु कहाँ हुई, नष्ट का क्या हुआ? कुछ नहीं। तो मृत्यु का जो एक भय है उससे आप मुक्त होइए, हमारे संत लोग यही कहते हैं। और अब आप देखिए कि आगे महाराज जी क्या कह रहे हैं। रुक्मणि जी ने यहाँ यही कहा, प्रभु मैंने आपके विषय में सुना है, श्रुत्वा ज्ञान भुवन सुंदर, यानी 14 भुवन बताए गए, 14 भुवन में मैंने गुणों के आपको सुना है, और आपके रूप और गुण को सुनकर मैंने अपने मन में धारण कर लिया है कि आपके सिवा मैं दूसरे की नहीं बनूंगी। एक बात भगवान ने अपने मुखारविंद से स्वयं कहा है, जो यहाँ रुक्मणी कह रही हैं, भगवान ने स्वयं कहा है कृष्ण ने अर्जुन से कि हे अर्जुन, यदि कुछ नहीं कर सकता तो सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी शरणागति, माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान क्या करेंगे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्पापे व्यो मोक्षस्य अम्मासु, यानी हम तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर देंगे और तुम्हें मोक्ष को प्राप्ति करवा देंगे। कब? जब आप मात्र एक मेरी शरण आ जा। यही बात रुक्मणी जी ने कहा। जब रुक्मणी जी इसी भाव में आई तो देखो रुक्मणी जी के लिए कृष्ण भगवान ने क्या क्या किया, ये आप सभी जानते हैं। रथ लेके गए, रुक्मणी को लेके आए, और सभी दुष्ट आत्माओं को जो है दंडित भी किया। यहाँ कहने का तात्पर्य है समर्पण भाव, परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण भाव होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, तो भगवान स्वयं रथ लेके आपको लेने आ जाएगा। रुक्मणी प्रसंग से यही सिद्ध होता है। आगे देखिए महाराज जी क्या विचार दे रहे हैं। हमारे यहाँ ऋषि मुनि संतों ने कथा के रूप में, पुराणों के रूप में गाकर, कोई भजन गा करके, कोई कथा करके, कोई कीर्तन करके उस परमात्मा के गुणानुवाद को गाया जाता है,
वो आदि अनाज काल से चली आ रही जो परंपरा तो कुछ तो है ना, इसमें निसत्य तो नहीं है, कुछ तो है असत्य नहीं है, कुछ है। सूर्य को किसने बनाया, चंद्रमा को किसने बनाया, इस पृथ्वी को किसने बनाया, आकाश को किसने बनाया। और एक वस्तु परमात्मा की ऐसी देन है, फ्री में, फोकट में मिल रही तुमको फ्री में, और वो वस्तु कैसी है, एक मिनट में अगर वो तुम्हें नहीं प्राप्त हो तो जीवन समाप्त हो जाता है। वो क्या है, हवा। अगर नाक कान मुंह तुम्हारा बंद करें एक मिनट में हरि हो, और फ्री में हवा मिल रही है, यही परमात्मा। इस विषय पे हमारे संत ऋषि मुनि और शास्त्रों ने इस बात की व्याख्या की है कि शरीर में 5 प्रकार की वायु है और उसमें से एक प्राणवायु है, जिसे ही चेतन तत्व कहते हैं और जिसे ही आत्मा कहते हैं। और जैसे ही प्राणवायु निकलती है हम जीरो हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। हम का तात्पर्य शरीर निष्क्रिय हो जाता है, शरीर जीरो हो जाता है, और उसी को लोग कहते हैं कि जय श्री राम, यानी फला चले गए। भागवत में कहा है ना, तेजो वारि राम, यानी आकाश पृथ्वी वायु परमात्मा नारायण ने अपने शरीर का ही 5 भागों में विभाजित किया, इसलिए ये सब परमात्मा का रूप है। और हम परमात्मा की कथाओं को सुन करके परमात्मा से प्रेम करते हैं, भगवान से लगाव करते हैं। अंत में जितने भी 6-7-18 पुराण में बात मिली है, दो सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। अगर हम किसी को दुख देंगे तो हमें दुख प्राप्त होगा, अगर हम किसी को सुख देंगे तो सुख प्राप्त होगा। इसी को हमारे तुलसीदास जी ने बड़ी सटीक वाणी में कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी परहित से सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। अब परहित की व्याख्या ले लीजिए, पर माने दूसरे, हित माने उसके अनुकूल, उसके लाभ के लिए, उसके संतोष के लिए, उसके हित के लिए किया गया कार्य परहित है। और जब दूसरे को आप दूसरे का हित करेंगे तो सुखी होगा ही होगा। वही महाराज जी कह रहे हैं कि जब आप दूसरे को सुख दोगे तो फिर इससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। देखो भागवत में 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। लास्ट में व्यास जी ने सभी श्लोकों का सार बताया। कि व्यास जी बोल रहे थे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणनाशनम, यानी भगवान के नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भाव कुभाव अनखयाल समूह और नाम जपत मंगल दिशुदसम, यानी भाव से कुभाव से, यानी अगर भावना से लेते हो तो अच्छा ही है, और ना चाहते हुए जबरदस्ती भी भगवान का नाम लेते हो तो भी वो दसों दिशाओं में ही मंगल करेगा, कभी अमंगल नहीं करेगा। और यहाँ तक कहा, भाव कुभाव अनक आलसम, आलस से भी खाट पर सो रहे लेटे हैं, आलस में भी उठना नहीं है, अरे भाई राम राम, अरे चाय तो लाओ। अगर तुमने राम राम कह के चाय भी मंगाया तो भी वो भगवान का नाम निकला तो मंगल ही करेगा। तुलसीदास जी ने और एक चौपाई में कहा, राम राम कहि जय जमुहाई और तिनहिं न पाप पुंज समुहाई, यानी जो जीव किसी भी प्रकार से जमुहाई लेता है, खांसी लेता है, अंगड़ाई लेता है, सोता है, बैठता है, गाली देता है, कैसे भी अगर वो भगवान का नाम लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। और वैसे तो देखो भगवान की कथा कैसी होती है, चाहे उल्टी हो, चाहे सीधी हो, चाहे जैसे भी है, परमात्मा की चर्चा। और देखो भाई, संसार में 2 प्रकार के कर्म है, जानते हो,
सत्कर्म और असत्कर्म। सत्कर्म किसे कहते हैं जानते हो? सत यानी परमात्मा। परमात्मा के लिए जो भी कर्म किए जाए सब अच्छे ही होते हैं। परमात्मा के लिए, परमात्मा के अनुकूल, परमात्मा के प्रति जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब अच्छे होते हैं, उसमें गुण और गुण नहीं देखा जाता। तो भगवत चर्चा इन्होंने 7 दिन तक आप लोगों को सुनाई। हमारे संतों में एक कहावत है, सबसे उत्तम हरि की कथा और जे ही सुनत सब कथा लथा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब आप इस कथा में पधारे हुए कुछ और भी संतों के वाणी का आनंद लीजिए। अब आपके सामने हरिहर परिवार के जयपुर के महंत संत श्री बलवंत जी महाराज जी के मुखारविंद से आप उनकी वाणी का आनंद लीजिए, देखिए क्या कहते हैं। बहुत सुंदर कथा हुआ, श्रीमद् भागवत कथा अच्छा रसा अमृत पब्लिक में भक्तों ने किया और बहुत आनंद आया। और इसमें संतों का समागम भी भरा हुआ है, संतों का मेला भंडारा चल रहा है और संतों का जो है कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है और संत समागम हो रहा है, और भागवत का रसामृत किया जा रहा है, कल का अंतिम लास्ट भंडारा है और संतों का। हाँ जी, ये आपके सामने हरिहर परिवार के संत छिप्रा मुनि जी महाराज जी हैं और ये 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा के उपलक्ष में जोधपुर में उपस्थित रहे, ये अपने विचार दे रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं। हाँ बताइए महाराज जी, क्या आप कह रहे हैं? भागवत के नाम में ही सारा कुछ छिपा हुआ है और सबसे पहले है भागवत में भव, भाव से होता है भक्ति, और उसके बाद है ग, ग से होता है ज्ञान। क्या उत्तम, हाँ। कितना उत्तम बात कहा है संत ने। अव से होता है वैराग्य, अरे वाह क्या बात। और त से होता है तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान। तो भागवत के नाम में चार चीज छिपा हुआ है। अब इसको में है कि भक्ति किसको मिला, ज्ञान किसको मिला, वैराग्य किसको मिला और तत्व ज्ञान किसको मिला। इसी चार चीज को समझने के लिए पूरे भागवत कथा सुनी जाती है। और पूरे कथा सुनने का सार क्या है, भागवत में सबसे लास्ट में वेदव्यास जी ने लिख दिया है कि नाम संकीर्तनम यश्च सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम तम नमामि हरिम परम। पूरा भागवत कथा सुनने के बाद जो भगवत रस अपने अंदर उत्पत्ति होती है उस रस का उपयोग केवल भगवत नाम स्मरण चिंतन सुमरण करने में लगा दिया जाए, भागवत का सार यही। हरि हरि। आपने देखा छिप्रा मुनि जी महाराज जी ने भागवत के, भागवत शब्द के अक्षरों पे जो व्याख्या दी, भागावाता, और इसी आधार पे इन्हीं चार अक्षरों पे पूरी गीता लिखी हुई है। तो अंत में व्यास जी स्वयं, यही व्यास जी जो श्रीमद् भागवत लिखे हुए हैं और गीता में बोलते हैं तत्व ज्ञान पे ही, तत्व ज्ञान को ही वो ज्ञान मानते हैं, इसके अतिरिक्त जितनी चीज़ें हैं वो सब अज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ये 13:17 श्लोक है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अगली लाइन इम्पोर्टेंट है कि एतत् ज्ञानम इति, यही ज्ञान है। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम एततो अन्यथा, यानी तत्व के सिवा जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। तो आपके सामने छिप्रा मुनि जी बड़ी ऊंची बात, पूरी गीता बोल गए, पूरी भागवत बोल गए और इनके मुखारविंद से जो है आपने सुना कि तत्व ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है और यही ज्ञान, यही ज्ञान हमें श्रीमद् भागवत देती है, जिस जो आप लोग व्यास जी के माध्यम से सुने। और ये हमारे संत के विचार हैं,
बाकी तो और सब ठीक ही ठाक। सूचना आप लोगों को सूचित किया जा रहा है कि नागौर जिला के अंतर्गत ग्राम बोड़वा मंगलदास धोना के प्रांगण में 13 दिसंबर से भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा गया है। अब और ये 19 तारीख तक चलेगा। 19 को भव्य जागरण का आयोजन किया गया जाएगा तथा 20 तारीख दिसंबर को प्रसादी का भव्य भंडारा का आयोजन होगा। ये सूचना आप लोगों को दी गई महाराज जी के मुखारविंद से, और वो इसलिए दी गई कि बोडवा वाले और बोडवा के आसपास वाले जितने लोग हैं वो सभी पहले ही दिन से कथा में उपस्थित हों और महाराज जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की अमृत वाणी का श्रवण कर। तो ये आपने देखा श्रीमद् भागवत कथा जोधपुर श्री चंदेश्वर महादेव मंदिर पाल रोड पर आयोजन इसका हुआ था, जो आज समापन की तरफ था। और समापन के समय हमारे संत भगवान लोग अपने अपने विचार रखे। क्षिप्रा मुनि ने भागवा और ता शब्द पे अपनी व्याख्या दी, तत्व को लाया। श्रीमद् भागवत के महात्म में पारब्रह्म परमात्मा ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है कि श्रीमद् भागवत ही हमारा वांग्मय शरीर है, संपूर्ण शरीर। हमारे व्यास जी लो कथा के अंतिम प्रसंग में जब श्री कृष्ण भगवान अपने लोक को जाते हैं तो ये व्याख्या करते हैं कि उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और जो इस भागवत में समाहित हो गया। परंतु जब ये घटना घटी थी उस समय श्रीमद् भागवत वेद व्यास ने नहीं लिखा था, और वो तो अपने लोक को चले गए। परंतु उपनिषद में एक शब्द लिखा गया है अक्षरम ब्रह्मास्म, अक्षर जो क्षर न। और जब देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कखा गगा अंग्या आ सात स्वर और 36 अक्षर, ये वो थोड़ो अक्षर है। इसको देवनागरी लिप कहते हैं। व्हेन यू रीड अबाउट दिस व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ देवनागरी लिप, व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन ऑफ देवनागरी लिप, तो आप पाएंगे कि विश्व की जितनी भी भाषाओं की लिपियां हैं उसमें सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि हमारी ये देवनागरी लिपि है, 36 अक्षर और 7 स्वर। और वो कैसे है मैं एक लाइन में ही आपको इंडिकेशन इसका दे रहा हूँ। इस पर मैंने व्याख्या अपने एक दूसरे वीडियो में किया है और उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से इसके विषय में जान सकते हैं कि जब हमारे ऋषि मुनि तपस्या करके उन्होंने ये देखा, जैसे एक बच्चा जो पैदा होता है ना तो 2-4 दिन बाद वो रोने गाने लगता है, पैदा होते ही रोता है, और उस रोने में कुछ न कुछ शब्द निकलते हैं, तो क्या उसे उस शब्द का ज्ञान होता है, उस अक्षर का ज्ञान होता है? नहीं होता। बट किड्स और सेइंग समथिंग बट दे डोंट नो व्हाट इज दे आर सेइंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दैट। ठीक उसी तरह जब किसी प्रकार की भाषा का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ था तब भी मानो कुछ न कुछ बोलता था।
तो हमारे फिर प्राकृतिक भाषा आई थी, उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होते हुए संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तमाम बहुत से भाषा और व्याकरण की उत्पत्ति हो गई, खोज हो गई। लेकिन आप थोड़ा सा उस प्रारंभिक बिंदु पे जाइए जब कोई भाषा का किसी को ज्ञान नहीं, उस समय भी मनुष्य कुछ न कुछ बोलता था, ठीक उसी बच्चे की तरह। जो बच्चा पैदा होता है उसे किसी भाषा का ज्ञान नहीं होता, परंतु वो कुछ न कुछ बोलता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक खोज किया कि हम क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने ये पाया कि हम जितने प्रकार से बोल रहे हैं वो सात स्वर है, आ ए इत्यादि और कख ग अंग्या से लेके छत्रंग्या, वो हमारे अंदर से निकल रहा है, इसके अतिरिक्त हम और कुछ बोल ही नहीं सकते। इसीलिए विश्व की किसी भी भाषा की लिपि बगैर देवनागरी भाषा की लिपि के वो उच्चारण हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये वायु का फंक्शन है। जितने प्रकार से आपके शरीर में आवाज के रूप में वायु का फंक्शन संभव हो सकता है, उतने प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने खोज दिया है, और वो है सात स्वर छत्तीस। तो ये है देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। तो अक्षरम ब्रह्मास्मि और इन्हीं 36 अक्षर सात स्वरों से निर्मित ये हमारी श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है श्लोकों के रूप में। तो जब बार बार हम उसके उच्चारण को करते रहते हैं तो ब्रह्म की ताकत हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। इसीलिए इसे जो है पार ब्रह्म परमात्मा का वांगमय शरीर कहा गया। और एक दूसरा तर्क है वो ये, और बता दें कि कोई भी शास्त्र हो अंत में उसने एक लक्ष्य एक रिजल्ट दिया है। रामचरितमानस पढ़ेंगे आप तो वहां पाएंगे सिया राम में सब जग जान। श्रीमद् भागवत भी बोलता है कि सर्वत्रम वासुदेव। अब आप वांगमय शरीर देखिए, उपनिषद वेद और उपनिषद में आप जब जाएंगे तो सीधा सा मान लेते हैं कि ये प्रकृति ही परमात्मा का अंग है, तो परमात्मा का शरीर है, यानी पंचभूत प्रकृति, और इस पंचभूत प्रकृति से पूरी सृष्टि बनी है, यानी उस अव्यक्त ब्रह्म का ये व्यक्त स्वरूप है, ये जगत ये सृष्टि उस अव्यक्त ब्रह्म का व्यक्त स्वरूप है। सिया राम में सब जग जानी सर्वत्रम वासुदेवम। तो ये जगत क्या है, ये जगत पंचभूत प्रकृति से बना है। जो आंखों से दृश्य मात्र जगत है, जो आंखों से दिखाई दे वो पंचभूत प्रकृति है, और यही पंचभूत प्रकृति परमात्मा का वांगमय शरीर है। और इसी के आधार पे वेद अभ्यास ने श्रीमद् भागवत का नामकरण किया है। भागवत में 5 अक्षर है, भा आ गा वा ता, भा से भूम, आ से अग्नि, गा से गगन, वा से वायु और ता से तोय, यानी पंचभूत प्रकृति। तोय मीन्स होता है नीर जल, तो भूम अग्नि आकाश वायु जल, ये पंचभूत प्रकृति ही जो है श्रीमद् भागवत है। इसमें परमात्मा अपनी लीला के माध्यम से दिखाया, इसमें वो सभी लीलाएं आज भी हो रही हैं। जैसे आप कहते हो कि राम रावण, राम आज भी रावण है, ठीक उसी तरह आज भी कंस है। तो ये जगत ही परमात्मा का स्वरूप है, ये जगत ही भागवत है, और इस जगत को ही हम परमात्मा के वांगमय शरीर के रूप में देखें और सर्वत्रम वासुदेवम के रूप में देखें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो आज हम इस वीडियो को यहीं संपूर्ण करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम,
लाइक शेयर कमेंट यदि आपकी इच्छा हो तो करिएगा, और इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे कि अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री राम।